तो दोस्तों मैंने अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टर्मिनल में रन कर लिया है। ये अभी हमारा फ्रंट एंड आपको क्रोम में दिख रहा है। इसका दूसरा एंड पॉइंट बनाने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में जाकर के लोकल होस्ट पोर्ट 3000 को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा दूसरा टर्मिनल काम करेगा। तो अब वापस मैं क्रोम को भी हाफ स्क्रीन पर कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि हम लाइव देख पाएंगे कि हमारा मैसेज सही टाइम पर रियल टाइम पर आ पा रहे हैं कि नहीं। तो एक में मैं प्रिंस नाम से लॉग इन करता हूँ। ये हमारे गेमिंग रूम है। डिफरेंट जो भी रूम मैं चुनूंगा उस रूम में मैं जाके चैटिंग कर सकता हूँ। मैं अभी गेमिंग रूम में आ गया प्रिंस नाम से, और इसमें मैं राज नाम से लॉग इन करता हूँ और यहाँ पे मैं गेमिंग रूम में ही आ जाता हूँ। अब मैं सबमिट कर दिया। अब आप देखिए कि जो भी मैं मैसेज यहाँ पे भेजता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया राज, और यहाँ पे टाइम आ रहा है फ्यू सेकंड सको, और यहाँ पे मैसेज मेरा दिख रहा है। और ये दूसरी तरफ जहाँ पे मैं प्रिंस से लॉग इन था वहाँ लेफ्ट अलाइन होके आया, यहाँ पे राइट अलाइन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंस से मैसेज भेजता हूँ सपोज हाय राज, तो फिर ये दूसरी तरफ भी मैसेज रियल टाइम में पहुंच गया। जितने भी मैसेजेज मैं यहाँ पे भेजते जाऊँ वो रियल टाइम में यहाँ पे अपडेट होते जाएंगे। अगर मैं यहाँ से भी भेज दूँ तो वो भी रियल टाइम में अपडेट होते जा रहे हैं। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें मैंने फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट का यूज़ किया है, बैक एंड के लिए नोड जेएस का यूज़ किया है, और सॉकेट डॉट आईओ का यूज़ किया है। तो सॉकेट डॉट आईओ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको सॉकेट डॉट आईओ में आ जाना है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अगर आपको सर्वर क्रिएट करना है तो सर्वर साइड पे क्या आपको करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर क्लाइंट साइड रिसीव करना है तो क्लाइंट साइड हमें कैसे करना पड़ेगा वो दिया हुआ है। अगर आपको इनिशियलाइज़ करना है सर्वर को तो आप इनिशियलाइज़ पे आ जाइए, और यहाँ से आप डायरेक्ट ये कोड दिया हुआ है इसे उठा सकते हैं। और अगर क्लाइंट साइड जैसे फ्रंट एंड पे अगर आपको इनिशियलाइज़ करना है तो वापस से आप यहाँ पे क्लाइंट साइड में इनिशियलाइज़ पे आ जाइए, और यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कैसे आप क्लाइंट साइड में इनिशियलाइज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद एक सॉकेट का इंस्टांस क्रिएट करेंगे, उसे अपने सर्वर के डोमेन से कनेक्ट कर देंगे, फिर मैसेजिंग हम भेज सकते हैं। तो चलिए आज मैं सबसे पहले बैकएंड बनाऊंगा। बैकएंड बनाते हुए मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद फिर हम फ्रंट एंड बनाएंगे रिएक्ट पे, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना चैट ऐप का बैकएंड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ सॉकेट चैट के नाम से, और इसके अंदर मैं अपना एक बैकएंड का फोल्डर बना लूँगा। सब न्यू फोल्डर में जाके मैं यहाँ पे बैकएंड लिख देता हूँ। उसी तरह मैं यहाँ पे फ्रंट एंड का भी फोल्डर बना लेता हूँ जिसपे हम कुछ देर बाद में काम करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने बैकएंड के फोल्डर में आ जाता हूँ, और बैकएंड के फोल्डर में आने के बाद मैं इसे वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, मैं वीएस कोड यूज़ करता हूँ। फिर यहाँ पे टर्मिनल में आने के बाद टर्मिनल में आके मैं इसे नोड से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा एन पी एम इनिट। तो एन पी एम इनिट करने के बाद ये मुझे कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे पैकेजेस के नेम हो गए। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा सॉकेट बैक एंड, फिर वर्जन मेरा बन रहेगा डिस्क्रिप्शन सॉकेट बैक एंड, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जी एस ही मैं रखूँगा, टेस्ट कमांड में कुछ नहीं, गिट रिपॉजिटरी अभी नहीं है, कीवर्ड्स नहीं, ऑथर ऑथर में आप अपना नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लाइसेंस इज दिस ओके यस। तब हमारा एन पी एम यहाँ पे इनिशलाइज हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे बैक एंड फोल्डर के अंदर यहाँ पे पैकेज डॉट जे एस नाम का एक फाइल आ चुका है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया था, ये आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट जे एस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये एंट्री पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस बना लेता हूँ। इंडेक्स डॉट जे एस मैंने यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे जिसे मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले इंस्टॉल कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरा बैकएंड रन कर रहा है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए मैं एक राउट क्रिएट करूँगा एक्सप्रेस से, जो कि हमें होम राउट पे मैसेज देगा कि हाँ हमारा बैकएंड स्टार्ट हो चुका है अब। तो कुछ कुछ हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस है जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, वो है एक्सप्रेस सॉकेट डॉट आई ए और एक कॉर्स मॉड्यूल रहेगा। तो सबसे पहले हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए एन पी एम आई एक्सप्रेस सॉकेट डॉट आई ओ और यहाँ पे कॉर्स, ये तीनों चीज़ मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, हमारा नोड मॉड्यूल यहाँ पे बन चुका है, और नोड मॉड्यूल के साथ साथ यहाँ पे हमारा इंडेक्स डॉट जे एस यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए अब हम अपना पैकेजेस को इम्पोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ तब तो तक मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए।
तो यहाँ पे मैंने अपना एक सबसे बेसिक नोड जेएस का ऐप क्रिएट कर लिया है, जो कि क्या करेगा, पोर्ट 8000 पे रन करेगा। और यहाँ पे मैंने एक होम राउट पे दिया है, ये हमें मैसेज भेजेगा सॉकेट चैट बैकएंड स्टार्टेड, और ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें मैसेज आ जाएगा ऐप स्टार्टेड एट पोर्ट 8000। ये बस मैंने एक बेस राउट क्रिएट कर लिया कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया ये चेक करने के लिए। तो चलिए हम अपना सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने नोड इंडेक्स डॉट जे से सर्वर स्टार्ट किया, तो ये पोर्ट 8000 पे स्टार्ट हो गया, यहाँ हमारा ये वाला मैसेज आ गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम जाते हैं क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि अपना लोकल होस्ट पोर्ट 8000 को ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मैसेज आ गया सॉकेट चैट बैकएंड स्टार्टेड, मतलब हमारा बैकेंड सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब सॉकेट डॉट आईओ को इनिशलाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सॉकेट डॉट आईओ में मैं अभी सर्वर सेटअप कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, सॉकेट डॉट आईओ के डॉक्स में आ जाना है। डॉक्स में आने के बाद में सर्वर का इंस्टॉलेशन तो हमने कर लिया है, npm इंस्टॉल करके सॉकेट डॉट आईओ हमने कर चुके हैं पहले ही। तो अब क्या करेंगे, हम जाके इनिशलाइज करेंगे। तो इनिशलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इम्पोर्ट करना होगा सर्वर फ्रॉम सॉकेट डॉट आईओ, और वहाँ से आईओ का इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो आप कोड देख रहे हैं, बस हम यही कोड को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने बैकएंड कोड में जाते हैं और इसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सॉकेट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि अभी अपने सर्वर को रिक्वायर कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ES6 मॉड्यूल में हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कॉमन जेएस जो कि अभी यहाँ पे हम इंडेक्स डॉट जेएस अपने नोड में यूज़ कर रहे हैं कॉमन जेएस वाले सिंटैक्स को, तो हम उसे यहाँ पे ऐसे रिक्वायर कर लेंगे। तो अभी हमने ये कर लिया, फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि और भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हम उसे इम्पोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक HTTP का ज़रूरत पड़ेगा सर्वर क्रिएट करने के लिए, ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता है हमारे नोड के साथ, तो हमें इसे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने कॉर्स भी इंस्टॉल किया था, कॉर्स हमें क्रॉस ओरिजिन में रिसोर्स शेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉर्स लगा दिया। तो ये चार चीज़ हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो चलिए अब हम अपना सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने ऐप को कॉर्स से इनिशलाइज कर दूंगा, ताकि जब भी यूज़ हो ये हमारा कॉर्स को यूज़ करते रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना सॉकेट डॉट आईओ का सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मैं अब सबसे पहले कोड लिख लेता हूँ, फिर उसको लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे स्मॉल एस लिख दिया, ये गलत है, एक्चुअल में ये कैपिटल एस है। जैसा कि आप अपने भी देख सकते हैं कि ये कैपिटल एस के साथ यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये कैपिटल एस है, ये मिस्टेक इस पे ध्यान रखिएगा, वरना ये एरर हमें दे सकता है बाद में। तो ये सर्वर का इंस्टांस जो हमने सॉकेट डॉट आईओ से लिया, उसे यहाँ पे मैंने न्यू सर्वर से क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना आईओ का जो कि सॉकेट का इंस्टांस होता है उसे मैंने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया था कि ऐप को अपना एक्सप्रेस से ऐप को इनिशलाइज किया, और उस ऐप से मैंने एक सर्वर क्रिएट कर लिया। उस सर्वर से मैं अपना आईओ का सॉकेट डॉट आईओ का एक इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ न्यू सर्वर से। अगर हम डॉक्स में भी आए, डॉक्स में हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, आईओ के लिए न्यू सर्वर क्रिएट कर रहा है, पोर्ट 3000 पर लिसन कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही ऐप में बताया हुआ है कि ये पोर्ट 8000 पर लिसन करेगा। तो अब हम इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने फ्रंट एंड को क्रिएट करने जा रहे हैं। अब तो फ्रंट एंड को क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ से अब हम सॉकेट को इंटीग्रेट कर देंगे, और जो भी हमारा कनेक्शन वहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले, अब हम वहाँ पे उसे ऐसे इस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारा भी बेसिक बैकएंड सेटअप हो चुका है। तो चलिए अब हम फोल्डर में जाने के बाद अब हम फ्रंट एंड के फोल्डर में आ जाएंगे। फ्रंट एंड के फोल्डर में आने के बाद इसे भी हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। VS कोड में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले रिएक्ट ऐप को इनिशलाइज करूँगा। तो अभी हमारा यहाँ पे रिएक्ट ऐप इनिशलाइज हो रहा है, इसे होने में कुछ समय लगेगा, तब तक मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम वापस आके इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे रिएक्ट ऐप इनिशलाइज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जाके कुछ क्लीनिंग करेंगे, जिन चीज़ों की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है वो मैं यहाँ पे क्लीन करके हटा दूंगा। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये तेज़ी में ख़त्म हो जाए।
तो यहाँ पे मुझे जो भी चेंजेस करने थे वो मैंने यहाँ पे कर लिया और सारी चीजें सेव कर लिए। मैंने इंडेक्स और सीएसएस में मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर दिया ताकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन या पैडिंग ना रहे। हम अपना सीएसएस अलग से बूटस्ट्रैप से हम लोग इसमें इसके अंदर सारा सीएसएस बूटस्ट्रैप के जरिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने जो भी अननेसेसरी फाइल्स थे वो सारे हटा दिए। अब हम इसे अपने टर्मिनल पर रन करते हैं। तो रन करने के लिए npm स्टार्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने अपने प्रोजेक्ट को सॉकेट चैट डैश एफ ई नाम से इनिशलाइज किया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमें सीडी करके सॉकेट चैट एफ ई के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद जा करके यहाँ पे एलएस में आप देख सकते हैं कि ये सारे फाइल्स है। तो अब मैं यहाँ पे जाके npm स्टार्ट करूँगा। अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि कैनॉट रिजॉल्व मॉड्यूल नॉट फाउंड लोगो डॉट एस बी की। ये किस में है? ऐप डॉट जे एस में लाइन नंबर 4 में है। तो हम अपने ऐप डॉट जे एस में आ जाते हैं और ऐप डॉट जे एस में आने के बाद ये यहाँ से हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का मैसेज आ गया है, यानी हमने अपना बैकएंड को इनिशियलाइज कर लिया है और अपने फ्रंट एंड को भी इनिशियलाइज कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना कोडिंग फ्रंट एंड में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को भी हाइड कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का सीएसएस यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप का सीडीएन ओपन सर्च कीजिए। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको पहला लिंक को ओपन कर लेना है। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको ये सीएसएस को बस यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप फ्रंट एंड के फोल्डर में आ जाइए। वहाँ पे जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इसके अंदर आप यहाँ पे लिंक के अंदर यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ला करके मैं ये बूटस्ट्रैप का लगा दिया मैंने। तो ये मेरा हमारा बूटस्ट्रैप सीडीएन से डिलीवर हो जाएगा। तो अब इसे मैं सेव करता हूँ और मैं वापस से अपने फ्रंट एंड में आ जाता हूँ। ऐप डॉट जेएस के अंदर अभी मेरा यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड यूज़ हो रहा है। तो इसके अंदर अब मैं क्या करने वाला, बूटस्ट्रैप के क्लास है कंटेनर, तो ये लगा के चेक करूंगा कि हमारा कंटेनर यहाँ पे फ्रंट एंड में लग गया है कि नहीं। अगर आप देखिए हमारा यहाँ पे कंटेनर क्लास लग चुका है, मतलब बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट में आ चुका है। अगर मैं ये कंटेनर हटा दूँ, ये हटाने के बाद अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये वापस से हट गया है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया मुझे कि अब बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट में लग चुका है। तो चलिए अब मैं बाकी का यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव हमारा रहेगा ये कंटेनर नहीं, कंटेनर फ्लूइड रहेगा। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ सीएसएस वगैरह जो बूटस्ट्रैप के मैंने पहले से ही रेडी किए हुए हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप में ज़्यादा एक्सप्लेन मैं आपको नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मेन फोकस यहाँ पे चैट एप्लीकेशन बनाने का है। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के सारे क्लासेज अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब देखिए अब हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। आप कलर डिफरेंस देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक हल्का डार्क ग्रे कलर का आया, यहाँ पे ये वाइट कलर। तो मैं एक और स्टाइल यहाँ पे लगा देता हूँ कि स्टाइल में मैं यहाँ पे व्यू हाइट। हंड्रेड व्यू वाइट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये हमारा अभी यहाँ पे क्लास लग चुका है। एक बार मैं क्लास का आपको ओवरव्यू दे दूँ। कंटेनर फ्लूइड हमारा जो कंटेनर है वो फुल लेंथ का कंटेनर ये क्रिएट करता है, यहाँ से लेकर के फुल मतलब फुल विड्थ का कंटेनर बनता है। बीजी लाइट ये बैकग्राउंड को मैंने लाइट कर दिया है, लाइट ग्रे हुआ, जिसके अंदर टेक्स्ट डार्क कलर के रहेंगे। और ये फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए मैंने इसे डीफ्लेक्स कर दिया, जिसमें अलाइंग आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गए। यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल भी अलाइंग सेंटर में हो गया, वर्टिकली भी अलाइंग सेंटर में हो गया। तो ये क्लास से मैंने यहाँ पे अपना मेन कंटेनर डिव को स्टार्ट कर दिया बूटस्ट्रैप क्लास से। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना अलग अलग राउट हम बनाने के लिए हम रिएक्ट राउट और डॉम का यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं एक और टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल ओपन करूँगा। इस टर्मिनल में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जा रहा हूँ, सीडी सॉकेट सॉकेट चैट एफ ई नाम का फोल्डर, उसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा npm i रिएक्ट राउटर डॉम। तो अब हमारा प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो रहा है। तब तक मैं इसका कोडिंग ये हो जाएगा हमारे, फिर पैकेज डॉट जेसन के अंदर अपडेट हो जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम। अभी आप देख सकते हैं कि रिएक्ट राउटर डॉम हमारा पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने उसे रिक्वायर कर लेंगे कुछ चीज़ें जो हमें रिएक्ट राउटर डॉम से चाहिए। तो उसे मैं सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मैंने रिएक्ट आउटर डॉम से इंपोर्ट कर लिया। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो रिएक्ट आउटर डॉम है वो लेटेस्ट वर्जन वर्जन 6.2 पे चल रहा है। मैं यहाँ लेटेस्ट के अकॉर्डिंग 6 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो वापस अपने ऐप डॉट जेएस में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउजर राउटर को इम्पोर्ट किया एज राउटर।
मैं ये ब्राउजर राउटर का एक राउटर नेम दे दिया। अभी मैं जहाँ भी ब्राउजर राउटर को एक्सेस करना होगा मैं राउटर नेम से एक्सेस करूँगा। फिर राउट सर अलग अलग राउट मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिए। मैं यहाँ पे राउट डिफाइन करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिव के अंदर मैं राउटर कंपोनेंट को ओपन करूँगा जो कि रिएक्ट राउटर डॉम देता है। अब इसके अंदर मैं अलग अलग राउट्स लगाऊंगा और राउट्स के अंदर हमारे डिफरेंट राउट रहेंगे। ये ऑर्डर आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर में राउटर है, फिर उसके अंदर राउट्स है, फिर उसके अंदर राउट है। ये ऑर्डर बहुत मायने रखता है, ये ऊपर नीचे आप कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कि राउटर के अंदर ढेर सारे राउट्स हैं, उसके अंदर हमारे यूनिक यूनिक राउट हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं तीन राउट लूँगा, तो राउट एक हमारा इंडेक्स के लिए हो जाएगा। सपोज इंडेक्स यहाँ पे, अगर इंडेक्स पे एलिमेंट में मैं यहाँ पे दे दूंगा एक H1 टैग दे देता हूँ जो कि अभी मैसेज देगा होम पेज, होम पेज का वो हमें मैसेज दे देगा। दूसरा मैं एक पाथ क्रिएट करूँगा चैट रूम के लिए, जो कि हमारा पाथ होगा कि अपना लोकल होस्ट या डोमेन जो भी है लोकल होस्ट 3000 स्लैश चैट स्लैश गेमिंग करूँ या जो भी रूम का नेम होगा वो होगा। तो यहाँ पे मैं वो पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। तो पाथ मैं यहाँ पे बताता हूँ, चैट स्लैश, यहाँ पे ये मैं क्वेरी पैरामीटर में यहाँ पे पैरम्स के अंदर यहाँ पे दे रहा हूँ। ये डायनेमिक लिंक होगा जो कि हम रूम जो भी सेलेक्ट करेंगे चाहे वो गेमिंग का रूम हो चाहे कोडिंग का रूम हो या जो भी रूम हम क्रिएट करते हैं उसका ये यहाँ पे डायनेमिक नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे रूम नेम दे देता हूँ, तो ये हमारा रूम का नेम रहेगा। तो अगर ऐसा कोई पाथ मैच करता है तो वहाँ पे एलिमेंट दिखेगा। अभी मैं बस टेक्स्ट दिखा देता हूँ, चैट रूम, चैट रूम के नाम से वो टेक्स्ट वहाँ पे दिख जाएगा उसको। और अगर कोई उसके अलावा कोई तीसरा पाथ है जो कि हमारे कोई ओपन करना चाहे जो कि हमारे राउट के अंदर नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, उसके अलावा जो भी राउट्स मिलेंगे उस पर वो एलिमेंट दिखा देगा। फोर नॉट फाउंड। तो चलिए अब हम अपने राउट को चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा होम पेज था, इस पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा ये होम पेज लेके आता है। जब मैं रिफ्रेश भी करूँ इसे तो ये होम पेज आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अब डायनेमिक राउट में दूसरे राउट में जाता हूँ जो कि है हमारा चैट स्लैश, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ ABCD कुछ भी लिख दूँ तो हमारा ये एरर यहाँ पे कुछ शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ELEMENT हो गया एलिमेंट। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो अब हमारा जो भी चैट के आगे कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ तो ये डायनेमिक लिंक क्रिएट हो रहा है, और ये कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये पाथ मैच होगा, हमें चैट रूम का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं कोई भी पाथ अगर ओपन करता हूँ, सपोज ये ओपन कर दिया तो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड आ जाएगा क्योंकि वो हमारे तीसरे राउट में चला जाएगा। तो ये दो राउट हमारा मेन, एक होम पेज के लिए और एक ये चैट के लिए, और जो तीसरा राउट इसके अलावा मिलेगा उसमें 404 नॉट फाउंड आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा चैट अभी तो लोकल होस्ट चल रहा है, तो चैट के अंदर अगर गेमिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज चैट स्लैश गेमिंग, तो हमारे ये गेमिंग वाला ओपन हो जाएगा। फिर अगर हम चैट स्लैश कोडिंग हम लिख देंगे तो हमारा कोडिंग वाला चैट रूम ओपन हो जाएगा। अब हम उसके लिए कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा राउट यहाँ पे डिफाइन हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये हमारा app.js का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कॉम्पोनेंट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, src फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेंगे कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे मैंने कॉम्पोनेंट फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसके अंदर मैं दो कॉम्पोनेंट बनाऊंगा। पहला मेरा रहेगा मेन फॉर्म डॉट जी एस एक्स रहेगा, दूसरा मेरा रहेगा चैट रूम डॉट जी एस एक्स। तो ये दो कॉम्पोनेंट हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं मेन फॉर्म के अंदर। अब हम मेन फॉर्म बनाएंगे, ये बाकी सब फाइल्स मैं पहले क्लियर कर देता हूँ या मैं क्लीन दिखे तब। हाँ, अब हम आगे अपने मेन फॉर्म डॉट जी एस एक्स के अंदर आ गए, और यहाँ पे आने के बाद मैं इस टर्मिनल को अभी हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले यह हमारा रिएक्ट फंक्शन रहेगा जो कि रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ये मेन फॉर्म का फंक्शन बना लिया जो कि हमारे जो है कि हमें एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। वो एलिमेंट्स मैं यहाँ पे तेजी में कोड करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे किस चीज़ का क्या कोड लिखा हुआ है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा यहाँ पे कोड टाइप कर लूँ।
तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी कंपोनेंट्स में एलिमेंट वगैरह लगाने थे वो मैंने लगा दिया, और मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लासेस के सारे यूज़ किए, जिसकी वजह से मुझे कोई भी अपने से सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे जो भी दिख रहे हैं ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एक एच टू टैग ले लिया जो हमें बताएगा वेलकम टू चैट क्लब। उसके अंदर एक इनपुट फील्ड है जहाँ पे मैं अपना नेम इंटर करूँगी या आप अपना नेम इंटर कीजिएगा। उसके अंदर एक सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन रहेगा जिसके अंदर ऑप्शन आएंगे सेलेक्ट रूम करने के, गेम, कोडिंग या सोशल मीडिया के, फिर एक सबमिट बटन रहेगा। ये मैंने यहाँ पे यूआई क्रिएट कर लिया। अब इसे सेव करते हैं और इसे अपने ऐप डॉट जी एस में जा करके लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। तो मैं अब अपने ऐप डॉट जी एस में आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं अपना यहाँ पे मेन फॉर्म को सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इम्पोर्ट मेन फॉर्म, फ्रॉम कंपोनेंट से मैंने यहाँ इम्पोर्ट कर लिया। मेन फॉर्म हमारा तब दिखेगा जब हम होम पेज पे होंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे होम पेज लगाया था, अभी होम पेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं मेन फॉर्म लगा दूंगा। तो इसके अंदर कोई भी प्रॉप्स नहीं जाएंगे, अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब चल के देखते हैं हमारे होम पेज पे। तो ये हमारा अभी चैट का खुला है, चैट के अंदर अभी हमने चैट रूम ही रखा हुआ है, तो हमें चैट रूम ही दिख रहा है यहाँ पे। तो अब होम पेज पे अगर हम जाते हैं तो अब देखते हैं कि हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम किया हुआ था 200% पे, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि 100% पे हमारा ये यूआई कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये हमारा आगे एच टू टैग हो गया। यहाँ पे मैं अपना नेम जो लिखना होगा वो लिख लूँगा, रूम के अंदर जो भी रूम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन सबमिट करने पर जो सबमिट हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें इसका फंक्शनैलिटी बनाते हैं कि अगर वो नेम टाइप कर दे तो और रूम सेलेक्ट करे तो उसके बाद हमारा सबमिट करने पे ये सबमिट हो जाए। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा भी बना हुआ है, ये अभी हमारा 100 बिट पे है। तो अब इसमें टाइप करने के बाद ऑन चेंज फंक्शनैलिटी होगा, उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले मेन फॉर्म पे आ जाता हूँ। मेन फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे मैं ऑन चेंज फंक्शन यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑन चेंज के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, हैंडल, हैंडल चेंज। तो हैंडल चेंज मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा और सेलेक्ट वाले में भी लगाऊंगा, कि दोनों के लिए हमारे पास सेम ही यहाँ पे सेम ही फंक्शन कॉल होंगे, हैंडल चेंज। तो चलिए अब हम अपना हैंडल चेंज फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल्स टू ये हमारा एक फंक्शन रहेगा जो कि हमारा इवेंट लेगा, इवेंट, और इवेंट के अंदर जो भी वैल्यू हम कंसोल करेंगे सपोज, तो इसके अंदर हमें नेम और वैल्यूज़ मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट टैब पे नेम में यहाँ पे नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे नेम में हमने रूम दिया हुआ है। तो जो भी हम यहाँ पे मिलता है वैल्यूज़, वो हमें ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज़ के अंदर हमें मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं हमारा अभी टाइप करने पे आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इस ओवरव्यू को हटा देता हूँ और यहाँ से कंसोल में आ जाता हूँ, और इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि नेम में मैंने ए इतना टाइप किया, या सपोज मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ पी आर आई एन सी प्रिंस राज, तो यहाँ पे हमारा नेम में प्रिंस आ जाएगा। अगर हम रूम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे गेमिंग चुनते हैं तो हमारा रूम के अंदर गेमिंग आ जा रहा है, रूम के अंदर सोशल कोडिंग आ जा रहा है, फिर सोशल मीडिया आ जा रहा है। तो ये हमारा हैंडल फंक्शन को वैल्यू यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो उसे हम क्या करेंगे कि अब हम एक अपने स्टेट बना लेते हैं, उस स्टेट के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके यूज़ स्टेट का यूज़ करके मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के स्टेट बनाऊंगा, उसके अंदर यहाँ पे डेटा मैं स्टोर कराऊंगा। तो डेटा यहाँ पे नेम ले लेता हूँ और सेट डेटा यहाँ मैंने रख दिया। यहाँ पे यूज़ स्टेट से ये वी एस कोड ऑटो इम्पोर्ट कर देता है, इन स्लाइज में कर दूंगा। तो शुरू में हमारे पास रहेगा नेम जो कि एम्प्टी रहेगा, और रूम भी रहेगा जो कि एम्प्टी रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी इन स्लाइज से होंगे दोनों, नेम और रूम। लेकिन जब उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे, तो टाइप करने के बाद हम सेट डेटा करेंगे। सेट डेटा के अंदर जो भी पहले के डेटा होंगे उसे डिस्ट्रक्चर करके यहाँ रख देगा, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर ये रख देगा। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ। हमारे सेट डेटा के अंदर दो फील्ड है, एक नेम और दूसरा रूम। तो अगर मैं यहाँ पे अब डेटा सेट करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि जो भी पहले, अगर सपोज मैंने नेम टाइप किया हुआ, ये डिस्ट्रक्चर कर रहा है, जो भी वैल्यूज होंगे डेटा के अंदर वो एज इट इज आके यहाँ पे रखा जाएंगे। सपोज नेम पहले से मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद मैं फिर वैल्यू टाइप करूँगा, तो नेम मेरा यहाँ पे वैसे ही रहेगा। और जो ये नेम है रूम, अगर मैं रूम सेलेक्ट करता हूँ तो रूम वाले के अंदर मेरा वैल्यूज़ अपडेट हो जाएगा। या सपोज मैं अगर वैल्यू
रूम का सेट कर दिया पहले, उसके बाद नेम का करूंगा तो फिर हमारे जो भी, अगर नेम में टाइप किया तो नेम में स्टोर हो जाएगा, अगर रूम में सेलेक्ट किया तो वो रूम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और तो ये हमारा यहाँ पे डेटा सेलेक्ट सेट हो जाएगा इससे। तो अब इसे सेव करते हैं, अब चलते हैं फ्रंट एंड में। रिएक्ट का एक रिएक्ट डेवलपर टूल आता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रिएक्ट डेव टूल जिसे क्रोम एक्सटेंशन में रहता है। ये आप सभी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉल नहीं किए तो ये रिएक्ट डेवलपर टूल इंस्टॉल कर ले। इससे बेनिफिट हमें ये मिलता है कि राइट क्लिक करके जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो इंस्पेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है रिएक्ट डेवलपर ऑप्शन का, यहाँ पे हमें कॉम्पोनेंट्स का दिखता है ये जो कॉम्पोनेंट्स है। तब तो आप देखिए, हम इस पे होवर करेंगे अगर इस कॉम्पोनेंट के ऊपर, यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया कॉम्पोनेंट के अंदर, और इसके ऊपर मैं जब चुनूंगा तो इसके अंदर जो भी डेटाज है वो हमें दिखने लगेंगे। जैसे ये मेन फॉर्म है तो ये हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर मुझे दो स्टेट दिख रहे हैं, एक एक स्टेट में एक नेम रखा हुआ और एक रूम रखा हुआ जो कि अभी दोनों एम्प्टी है। पर अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे टाइप करूँगा, देखिए अगर मैं कंसोल क्लियर कर दूँ और यहाँ पे टाइप करूँगा सपोज प्रिंस, और यहाँ पे रूम सेलेक्ट करता हूँ राज, यहाँ कंसोल तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ अब हमारा जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है हैंडल चेंज, वो क्या कर रहा है रूम और इसके अंदर भी स्टोर करते जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा राज, तब आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेट के अंदर सक्सेसफुली डेटा स्टोर हो चुका है यूज स्टेट के अंदर। तो ठीक है, अब हमारा यूज स्टेट के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है। अब मैं चाहूँगा कि कुछ एरर हैंडलिंग को मैनेज कर लिया जाए, कि अगर सपोज कोई नेम नेम इनपुट नहीं किया फिर सबमिट कर देगा तो ऐसा सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उसे हैंडल करने के लिए मैं अब उसे यहाँ पे हैंडल करने के लिए मैं एक और स्टेट ले लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एरर एक स्टेट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैलिडेशन का फंक्शन बनाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन के लिए फंक्शन बना दूंगा जो कि हमें चेक करेगा कि हमारा वैलिडेशन सही हो रहा है कि नहीं, या हमारा डेटा इनपुट मिला कि नहीं। तो यहाँ मैंने वैलिडेशन फंक्शन बना दिया जो कि क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर हमारे डेटा के अंदर नेम नहीं है, नॉट का कंडीशन मैंने यहाँ लगाया कि अगर डेटा के नेम नहीं है तो क्या करे, एक एरर के अंदर वो मैसेज स्टोर कर देगा प्लीज़ एंटर योर नेम, और अगर डेटा के अंदर रूम नहीं सेलेक्ट किया हुआ है तो वो मैसेज सेंड करेगा प्लीज़ सेलेक्ट रूम, और उसके बाद वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो हमें एरर दिखाना है, अगर नहीं तो फिर हमें ट्रू दिखाएगा तो फिर हम फॉर्म को सबमिट करा देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैलिडेशन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो अब जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है, तो जैसे ये फॉर्म है तो ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमारे पास यहाँ पे, तो जब हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो हम यहाँ पे ऑन सबमिट मेथड को कॉल करते हैं, और ये मेथड हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंडल सबमिट, और ये हैंडल सबमिट फंक्शन हमारा फॉर्म सबमिशन को हैंडल करेगा। तो चलिए अब हम हैंडल सबमिट फंक्शन को भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मोस्टली एरो फंक्शन का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है दिखने में भी, और कोड समझने में भी ज़्यादा ईजी लगता है। तो सबसे पहले फॉर्म सबमिट होने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये रिफ्रेश होता है, अगर मैं इसे सबमिट करूँ तो ये रिफ्रेश हो जाता है। ये बाई डिफॉल्ट फॉर्म का नेचर होता है कि फॉर्म सबमिट होने पर रिफ्रेश होता है, तो मैं उसके प्रिवेंट करने के लिए डॉट प्रिवेंट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होगा। अब मैं जैसे सेव करता हूँ ई डॉट ई नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा यहाँ पे ई लेता है, इवेंट लेता है फॉर्म जब सबमिट होता है। तो अब आप देख सकते हैं मैं सबमिट करूँगा तो हमारा फॉर्म, यहाँ पे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ लेकिन हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा फॉर्म वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज वैलिड ले लेते हैं। इज वैलिड नाम का एक वेरिएबल है जो कि क्या करेगा, हमारे वैलिडेशन फंक्शन को कॉल करेगा। ये जो वैलिडेशन फंक्शन कॉल किया है तो अगर इसमें कुछ भी एरर होगा, जैसे नेम का एरर हो गया, चाहे रूम का एरर हो गया, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पे, ये जो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर वैलिड है तो फॉर्म को सबमिट कर दें। तो अगर हमारा फॉर्म अब वैलिड है तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो भी यहाँ पे रूम हम सेलेक्ट करते हैं वो उस रूम रूम के अंदर चला जाए। तो सपोज जैसे हमने यहाँ पे कोडिंग रूम सेलेक्ट किया, तो हम चाहेंगे कि हमारा चैट स्लैश कोडिंग पाथ पे चला जाए, हम ये चाहेंगे। कि अगर वो गेमिंग रूम सेलेक्ट कर रहा है तो हम चाहेंगे कि गेम चैट स्लैश
गेमिंग रूम पे ये हमारा रिडायरेक्ट हो जाए वापस से, मतलब हमारे डेटा के साथ वो इस पेज पे ओपन हो जाए, वो जिस भी रूम को चुने उस रूम के चैट वाले पेज पे ये अपने आप चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेविगेट का यूज़ करेंगे। ये नेविगेट हमें कहाँ से मिलता है, ये रिएक्ट राउटर डॉम से हमें मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, नेविगेट करने के लिए, हम उस पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए हम एक हुक है हमारे पास, रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है यूज़ नेविगेट, तो उसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ नेविगेट मैंने यहाँ इम्पोर्ट किया रिएक्ट राउटर डॉम से। तो अब हम ये मैंने यहाँ पे यूज़ नेविगेट से यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक इंस्टांस क्रिएट कर लेंगे। तो अब हमने नेविगेट करने के लिए यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट कर लिया। तो अब मैं फिर से फ्लो बताता हूँ। जब वो हमारा इनपुट के अंदर आकर के वो टाइप करेगा, तो टाइप करने के साथ अगर वो नेम में टाइप किया चाहे सेलेक्ट में टाइप किया, तो उसको हैंडल चेंज, ये जो हमारा फंक्शन है हैंडल चेंज, उसके अंदर वो चेंज स्टोर करा लेगा डेटा। जिस भी नेम में टाइप किया तो नेम में स्टोर करा लेगा, और रूम में टाइप किया तो रूम में स्टोर करा लेगा। ये कंसोल में यहाँ से अब हटा देता हूँ, अब हमें इसका काम नहीं है। तो जब हम टाइप कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करते वक्त, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, यहाँ पे जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा। तो हैंडल सबमिट फंक्शन में सबसे पहले हम उसे रिफ्रेश होने से रोक देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। तो ये वैलिडेशन फंक्शन हमने बनाया कि अगर वो वैलिड है, अगर वो वैलिड नहीं है, सपोज उसमें नेम नहीं है, तो उसमें वो एरर शो कर देगा और वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर रूम नहीं है तो उसमें एरर देगा। तो ये हम एरर सेट कर रहे हैं, तो एरर हम चाहते हैं कि दिख भी जाए, कि कहीं ना कहीं तो हमें यूआई में दिख जाए कि हाँ ये एरर है। तो हम उसको यूआई के अंदर यहाँ पे रख देते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारे ये फॉर्म है, तो फॉर्म एंड होने से पहले हम चाहते हैं कि हमारा एरर यहाँ पे दिख जाए। तो अगर हम चेक करेंगे कि अगर एरर है, अगर एरर है तो यहाँ पे स्मॉल टैग के अंदर टेक्स्ट डेंजर बूटस्ट्रैप का क्लास है, जो कि रेड कलर को हाईलाइट करता है, इसके अंदर हमारा एरर वेरिएबल को शो कर दे। तो ये हमारा सिंटेक्स में अभी, हाँ अगर ये एरर है तो ये दिखा दे, वरना कुछ नहीं, एम्प्टी आएगा। ये हमारा सेट हो गया कि अब जो हमने एरर यहाँ पे सेट किया है, तो एरर वेरिएबल को दिखाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे दे दिए। तो अब ये अगर एरर होगा तो हमें यहाँ पे एरर दिख जाएगा फॉर्म सबमिट करेंगे। तो चलिए अब ये चेक कर लेते हैं। तो वो होने के बाद अगर वैलिड है तो अभी फॉर्म सबमिट ही किए, अभी हम कुछ देर में करेंगे वो। सबसे पहले हम अपने होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट करते हैं तो हमें एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर हम कोई रूम सेलेक्ट कर लिए, सपोज हमने गेम ले लिया लेकिन रूम सेलेक्ट नहीं किया, तो अब हम टाइप करेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट योर रूम आएगा। तो उसके बाद अगर हम रूम ये सेलेक्ट करते हैं, तब जाके ओके है सब कुछ। अब क्लिक करके सबमिट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि अब कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब अब हम फॉर्म सबमिट करके हम चैट वाले पेज पर रीडायरेक्ट करके भेज सकते हैं। तो अब हम रीडायरेक्ट करने के लिए, जो हमने नेविगेट कॉम्पोनेंट यहाँ पे नेविगेट का जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, अब हम उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब सब कुछ सक्सेसफुली चेक हो गया कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम यहाँ पे नेविगेट नेविगेट करेंगे। तो नेविगेट का यहाँ पे पाथ होता है स्लैश चैट स्लैश, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का डायनेमिक स्ट्रिंग क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बैकटिक बोलते हैं, बैकटिक के अंदर अगर मैं जावास्क्रिप्ट का वैल्यू शो करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो हम ऐसे बैकटिक के अंदर रख के डॉलर साइन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू देंगे, सपोज मुझे डेटा डॉट रूम, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा मेरा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे स्लैश चैट स्लैश जो भी रूम वो सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर यहाँ पे मेरा रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा नेम और रूम जो सेलेक्ट किए हैं, बट साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमने नेम सेलेक्ट किया है और नेम के साथ साथ जो हमने चैटिंग वाला रूम सेलेक्ट किया है, जैसे गेमिंग या कोडिंग, वो डेटा भी जाए साथ में। तो उसमें हमें ये प्रोवाइड करता है, एक स्टेट प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे स्टेट के अंदर हम जो भी डेटा था हमारा, यहाँ पे ये जो डेटा था हमने क्रिएट किया हुआ है यूज़र का, वो डेटा हम इस स्टेट के अंदर भेज देंगे। तो इस राउट में जाएगा और वो इस स्टेट के डेटा के साथ जाएगा हमारा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो अब मैं अपने फ्रंट एंड में आ जाता हूँ वापस, फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा राज, राज लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई भी चुन लेते हैं, सपोज कोडिंग चुन लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने चैट पे कोडिंग रूम चुना, तो कोडिंग पर रिडायरेक्ट हो गया। अब हम वापस जाते हैं, अब हम यहाँ पे नेम कुछ भी दे करके अब यहाँ गेमिंग पे आते तो सबमिट करेंगे, तो अब हमारा चैट स्लैश गेमिंग के ऊपर हमारा ये आ चुका है। तो अब हम ठीक है वापस जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना ये मैसेजिंग वाला जो हमारा चैटिंग वाला ऐप है, अब हम उसको क्रिएट करेंगे मैसेज, जहाँ से वो भेज सकता है या रिसीव कर सकता है। तो उसके लिए अब हम आ जाते हैं अपने चैट रूम के कंपोनेंट के ऊपर। तो अब हम अपने चैट रूम के अंदर आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पे इसे भी एक चैट रूम क्रिएट करते हैं, चैट रूम कंपोनेंट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं।
जो कि रिटर्न करेगा। यहाँ भी मैं इसका जो एलिमेंट्स वगैरह प्लेस करने वो मैं तेजी में प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे क्या कौन सा एलिमेंट्स है। और यहाँ पे भी मैं इस पेज के लिए भी अलग से सीएसएस नहीं लगाने वाला, मैं भी यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लासेस यूज करके मैं सारे सीएसएस को प्लेस करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे जो भी प्लेसिंग करूँ अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मैंने अपना यूआई कंप्लीट कर लिया है चैट रूम का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चैट रूम, तो यहाँ पे मैंने अपना चैट रूम को एक्सपोर्ट यहाँ एक्चुअली नहीं करना है, मुझे इसे सबसे लास्ट में करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना चैट रूम को एक्सपोर्ट कर दिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे अपने मेन फॉर्म के अंदर चैट वाले कॉम्पोनेंट के अंदर जो app.js के अंदर है, यहाँ पे जो मैंने H1 में चैट रूम लिखा था यहाँ पे उसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चैट रूम में यहाँ VS कोड सेलेक्ट करता हूँ तो उसने यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं चैट रूम यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। चलिए अब हम अपने चैट रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारा चैट रूम कैसा दिख रहा है। तो मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा चैट रूम कुछ ऐसा दिख रहा है कि अभी यहाँ पे मैंने सारे डेटा स्टैटिक लगाए हुए हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट है जो ऐसे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं मैसेज टाइप करूँगा, यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पे गेमिंग चैट रूम हो गया, जो ये भी नेम डायनेमिक आएगा, जो नेम वहाँ पे आप अगर चुनेगा यूज़र, अगर वो यहाँ पे कोडिंग चुनता है तो वहाँ पे कोडिंग आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये सेट करते हैं कि अगर वो यहाँ पे जो भी रूम सेलेक्ट करेगा वो रूम यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखना चाहिए और उस यूज़र का नेम आना चाहिए हमारे पास। तो चलिए उसे सेट करते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हमने जो यूज़ नेविगेट के अंदर मेन फॉर्म के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि हम यूज़ नेविगेट किए थे तो हम स्टेट के अंदर डेटा भेजे थे। तो यहाँ पे मैंने नेविगेट में स्टेट के अंदर डेटा भेजा था जो कि यूज़र का डेटा था। तो चलिए अब हम चैट रूम में जाकर के उस डेटा को हम सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं बाहर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ लोकेशन का यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले हम। तो हम रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ लोकेशन इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट। तो हमने यूज़ लोकेशन को रिएक्ट राउटर डॉम से बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं।
यूज इफेक्ट को मैंने यहाँ पे रिएक्ट ऑटो इंपोर्ट कर लिया। अब यूज इफेक्ट में हम क्या चेक करेंगे कि अगर लोकेशन पैरामीटर हमारा है तो लोकेशन पैरामीटर अगर उसे मिलता है तो सबसे पहले तो इस यूज लोकेशन से हम तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमने यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट को यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट से हमारा यूज स्टेट आ गया। तो यहाँ पे हमने अपना यूज इफेक्ट लगा दिया लोकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे ये कोड क्या कर रहा है कि सबसे पहले हमने यूज लोकेशन को यूज लोकेशन का जो हमारा हुक है उसको हमने पहले इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये क्या करेगा, अब जब ये लोकेशन ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा कि हमारे मैंने यूज स्टेट से एक हुक स्टेट बना लिया और उसके अंदर हमारा डेटा रख देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अभी वापस आता हूँ, फिर वापस आने के बाद मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करता हूँ प्रिंस राज, और प्रिंस राज टाइप करने के बाद मैं सपोज कोडिंग में आ जाता हूँ। तो आप देखिए मैंने जैसे ही उसको लोकेशन मिलेगा, हमारा चैट रूम में आएगा तो उसको लोकेशन मिलेगा और वो डेटा को स्टोर करा देगा हमारे डेटा स्टेट के अंदर। तो अब हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद मैंने बताया था आपको ये कंपोनेंट में आकर के आप देख सकते हैं। तो कंपोनेंट में आकर मैंने ये चैट रूम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने स्टेट के अंदर मेरा आ गया प्रिंस राज और कोडिंग आ चुका है। तो अब मैं वापस जाता हूँ। अब मैं यहाँ से गेमिंग रूम चुनूंगा और यहाँ पे सपोज मैंने राज गेमिंग चुन लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया राज। अब मैं सबमिट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि अब जब मैं चैट रूम के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे नेम में राज और रूम में गेमिंग मिल रहा है। मतलब जो भी डेटा मैंने सबमिट किया था मुझे इस पेज के अंदर वो मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ठीक है, हमारा डेटा भी यहाँ पे मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे बंद कर देता हूँ। ये जो हमारा गेमिंग चैट रूम है तो गेमिंग को भी अब डायनेमिक कर देता हूँ। अगर मैं कोडिंग पे खुलूंगा तो ये कोडिंग आ जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो मैंने गेमिंग लगाया इसकी जगह पे मैं यहाँ पे जेएस से लिख दूंगा डेटा, और डेटा के अंदर अगर रूम है तो वो रूम दिखा दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे गेमिंग आ गया। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरा गेमिंग आ गया है। अगर मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ और यहाँ पे अब मैं कोडिंग पे आ जा रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे कोडिंग आ गया। फिर मैं अगर वापस जाता हूँ यहाँ पे कोई नेम डाल के फिर सोशल मीडिया चुनता हूँ फिर सबमिट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे सोशल मीडिया आ गया। तो ये अभी हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे रूम डायनेमिक हो गया। तो रूम डायनेमिक करने के बाद से अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैसेजेस होंगे वो मैसेजेस अगर मैंने भेजे तो वो यहाँ आए, और यहाँ पे जो भी भेजे वो यहाँ पे चले जाए। तो उन सारे जो भी मैसेज मैं भेजूंगा उनको एक स्टेट के अंदर स्टोर कराना है और वापस यहाँ से सेंड कर देना है। यहाँ पे ये सेंड मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो बूटस्ट्रैप एक आता है, एक आइकन आता है, मैं वो आइकन लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया बूटस्ट्रैप सेंड आइकन, फिर पहला लिंक जो है उसे मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइकन मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है। तो या तो मैं यहीं से डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकता हूँ या तो मैं इसका SVG यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर ये SVG को कॉपी कर लूँ, और SVG कॉपी करने के बाद मैं जो यहाँ पे सेंड बटन है, सेंड बटन के अंदर मैं यहाँ पे SVG लगा दूँ। अगर मैं यहाँ पे SVG ये रख देता हूँ और अलाइनमेंट इसका सही कर दूँ थोड़ा, तो मैं इसे सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे UI में अब यहाँ पे ये सेंड बटन, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है सेंड लिखने से, लिखने के कंपैरिजन में। तो अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा वो हमारा वो मैसेज टाइप होगा। अभी से एक स्टेट के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा और सेंड करने पर मैं वो मैसेज अपने नाम के साथ उसे भेजूंगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ वो सारे वैल्यूज़ मेरे जाकर के स्टोर हो जाएँ, एक स्टेट में मैं उसे स्टोर करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज फंक्शन लगाता हूँ। ऑन चेंज यहाँ पे अब क्या करेगा, यहाँ पे एक फंक्शन दे देता हूँ हैंडल चेंज। ये फंक्शन मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ। हैंडल चेंज ये पैरामीटर में इवेंट लेता है और इवेंट का वैल्यू ये सेट कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ स्टेट, मैसेज नाम का मैंने यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, फिर सेट MSG कर देता हूँ और ये इनिशियलाइज करूँगा एम्प्टी एम्प्टी मैसेज से। तो अब ये मैसेज हो गया। तो मैं अगर वो हैंडल चेंज करता है तो हैंडल चेंज इवेंट लेगा और सेट मैसेज के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट
वैल्यू स्टोर कर देगा। तो ये वैल्यू जो स्टोर करा रहा है, तो वैल्यू को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि वैल्यू बराबर हमारा हो जाएगा MSG हो जाएगा। तो अब हम इसे सेव करते हैं। अब हम टाइप करेंगे तो हमारे मैसेज के अंदर हमारा जो भी टाइप करेंगे वो स्टोर हो जाना चाहिए। तो वापस हम अपने कंपोनेंट में जाते हैं, फिर इसे इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद कंपोनेंट में आएंगे। अब हम यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं, चैट रूम पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम जो भी टाइप करेंगे, आप देख सकते हैं कि पहला स्टेट हमारा ये डेटा का था, दूसरा जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसका था। पहला हमारा डेटा था, दूसरा मैसेज का था। अब हम यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे हैं इसके अंदर स्टोर होते जा रहे हैं, प्रिंस राज। तो यहाँ पे स्टेट के अंदर, मैसेज के अंदर यहाँ पे प्रिंस राज स्टोर हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हमारा इनपुट टाइप सही काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबमिट बटन का फंक्शनैलिटी बनाएंगे और सारे मैसेजेस को एक मैसेज एरे के अंदर रख लेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे कॉन्स्ट में एक सारे मैसेजेस को स्टोर करने के लिए एक ऑल मैसेज नाम का स्टेट लेता हूँ और इसके अंदर मैं सेट करूँगा, सेट मैसेजेस नाम से मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा वैल्यू। और इसे यूज स्टेट से एक एम्प्टी एरे के नाम से मैं इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। ऑल मैसेजेस के अंदर सेट मैसेज फंक्शन बन गया और ये एम्प्टी एरे बाई डिफॉल्ट एम्प्टी एरे रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं ये सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, ये जो सेंड बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, मेरा डेटा ले जा करके उस एरे के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम ऑन चेंज फंक्शन लगाएंगे इस बटन के अंदर कि अगर ऑन चेंज नहीं, ऑन क्लिक, कि अगर जब भी हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा ऑन सबमिट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए अब ऑन सबमिट फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऑन सबमिट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ऑन सबमिट ये पैरामीटर में कुछ नहीं लेगा। अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि हमारा सेट मैसेजेस के अंदर जो भी पहले के मैसेजेस होंगे ऑल मैसेज उन्हें रख देगा, और जो हमने अभी मैसेज के अंदर स्टोर किया है तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो हम एक यहाँ पे न्यू न्यू मैसेज क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले न्यू मैसेज, कॉन्स्ट न्यू मैसेज इक्वल्स टू हमारे मैसेज का एक टाइम भी होगा। तो टाइम जो कि हमारा होगा न्यू डेट, जो भी अभी डेट रहेगा वो डेट वो टाइम आके या वो टाइम आकर के वहाँ पे स्टोर होगा जो भी टाइम पे वो मैसेज भेज रहा है। और मैसेज के अंदर तो हमारा मैसेज मैसेज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, इसे MSG ऐसे भी लिख सकते हैं या शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट ऐसे MSG भी लिख सकते हैं। और नेम के अंदर हमारा जो डेटा का जो नेम था वो कि हमारे इस यूज़र ने भेजा, तो ये हम न्यू मैसेज को हम इसके अंदर अपेंड करा देंगे। अब सेट मैसेजेस हम कर दिए। अब जा करके हम वापस से देखते हैं कि हमारे मैसेजेस सेंड हो रहे हैं तो इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं कि नहीं। तो चैट रूम हमारा ये जो भी मैसेज मैं टाइप करूँगा 1 2 3 ABC जो भी है, अब यहाँ पे सेव किया तो ये स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट आया, पर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक एरे एरे रिटर्न कर रहा है, हमें एरे के अंदर रखना है। तो इन्हें हम एक एरे के अंदर स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे मैं सेव रिफ्रेश कर देता हूँ इसे। अब आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ए लिख के सेंड किया तो एरे के अंदर, मेरे स्टेट के एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर वो टाइम लिखा हुआ है कि 14 जनवरी फ्राइडे 2:44 जो कि अभी अभी का करेंट का टाइम चल रहा है मेरा यहाँ पे वो। और जो भी मैंने मैसेज भेजा वो मैसेज यहाँ पे आ गया MSG के अंदर ए आ गया, और मेरा नेम नेम में ये नेम आया जो कि मैंने यहाँ टाइप किया था। तो अभी ऐसे पता नहीं चल रहा, मैं प्रॉपर नेम यहाँ पे टाइप करके वापस से लिखा था तो पता चल गया। मैं अब गेमिंग रूम में आके सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद चैट में आ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं शुरू में AS लिख के भेज रहा हूँ तो एरे के अंदर स्टोर हो गया, फिर ESDF लिख करके भेज रहा हूँ तो वापस से ये दो ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया एरे में। पहला ऑब्जेक्ट हमारा AS से था, दूसरा ESDF जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया वो यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहता हूँ टाइप होने के बाद जब सेंड हो जाए तो हमारा ये इनपुट फील्ड क्लियर हो जाए। तो उसके बाद ये सारे ये चीज़ें करने के बाद तो हमारा एरे के अंदर स्टोर हो जा रहा है। तो ये जो एरे के अंदर हमारे मैसेजेस हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सारे मैसेजेस हमको अब यहाँ पे दिखाई दें UI के अंदर। तो ये जो यहाँ दिख रहे हैं अब ये दिखे, तो यहाँ पे मैंने दो बनाए हुए, एक पहला जो मेरे मैसेजेस होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे, जो भी मेरे मैसेजेस रहेंगे वो इस तरह से दिखेंगे, उनके लिए ये ऑब्जेक्ट है, और जो भी मैसेज दूसरे के आएंगे उनके लिए ये वाले मैसेजेस रहेंगे, ये मैसेजेस आ जाएंगे। तो इन्हीं को चलिए अब मैं यहाँ पर मैप करता हूँ।
तो मेरे सारे मैसेजेस ऑल मैसेजेस के अंदर जा रहे हैं, तो ऑल मैसेजेस डॉट मैप, तो उस ऑल मैसेजेस से मैंने मैप किया, तो ये क्या करेगा, सपोज़ ये एक मैसेज ऑब्जेक्ट लेता है, MSG ऑब्जेक्ट लेता है, और यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा, और यहाँ से वो रिटर्न करेगा हमारा ये डिफरेंट डिव। लेकिन रिटर्न करने से पहले हम ये चेक करना करेंगे कि अगर वो जो मैसेज मैसेज में जो यूज़र का नाम है और हमने जो लॉगिन किया हुआ है उस यूज़र का नाम अगर बराबर है, तो वो मैसेज को ब्लू कलर में राइट साइड में दिखाए, और अगर नहीं है बराबर तो वो वाइट कलर में लेफ्ट साइड वाले दिखेगा। यानी अगर जो मैसेज का नेम है और जो नेम हमने डाला है, अगर वो नेम अगर सेम है तो वो ये वाला रेंडर होगा, नहीं तो ये रेंडर होगा। ये इसे कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं कहते हैं। तो अब यहाँ पे फिर मैं इसे चेक कर लाऊँगा, रिटर्न करेगा, लेकिन ये चेक करेगा कि अगर डेटा डॉट नेम, डेटा हमने ऊपर में निकाला हुआ कि जो भी हम नेम देंगे वो मेरा ये डेटा डॉट नेम, जो नेम हमने ऐप के अंदर डाला है ये नेम है, अगर बराबर होगा MSG मैसेज डॉट नेम के, तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला रेंडर होगा, लेफ्ट साइड वाला। तो इसे मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, और अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा ये वाला रेंडर होगा। मैं यहाँ फिर से बता दूँ, मेरे सारे मैसेजेस में से मैप किया जाएगा, और मैप करने के बाद हर एक मैसेज को हर एक मैसेज का नेम कंपेयर किया जाएगा, क्या मैसेज का नेम मेरे नेम के बराबर है। अगर नेम के बराबर है तो वो ये वाला दिखेगा जो कि ये ब्लू कलर में दिखता है, और अगर बराबर नहीं है तो वो ये वाला दिखेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, फिर अब वापस जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये दो दिख रहा है, क्योंकि ये अभी स्टैटिक डेटा दिखा रहा है, इसी वजह से ये स्टैटिक चल रहा है। तो दो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो भी स्टैटिक डेटा आ रहे थे तो उनको मैं हटा के अब यहाँ पे डायनेमिक कर देता हूँ। तो मैसेज के अंदर मैसेज डॉट नेम आने चाहिए, और टाइम के लिए MSG डॉट टाइम आना चाहिए, और मैसेज के लिए MSG डॉट MSG डॉट MSG, मैसेज के अंदर मैसेज ऑब्जेक्ट ही है। ये मैं यहाँ पे सेव कर दिया, और ये मैसेज डॉट नेम यहाँ पे भी आ जाएगा, और मैसेज डॉट टाइम यहाँ पे भी आ जाएगा, टाइम यहाँ आएगा, और मैसेज डॉट। तो अब मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगा के सेव कर दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मैसेज भेज करके देखते हैं क्या जा रहा है। फिर मैं ये मैसेज भेजूँ तो यहाँ पे अभी कुछ हमारा एरर आ रहा है, जिस वजह से ये पेज रेंडर नहीं हो पा रहा है और कोड हमारा गड़बड़ हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि इसको सबसे पहले कमेंट करते हैं, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं अभी हम कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं कुछ, यहाँ से अगर हम सेंड किए तो इंस्पेक्ट करके वापस हम कॉम्पोनेंट में जाके देखेंगे कि हमारा डेटा एरे के अंदर स्टोर हुआ कि नहीं। हमारा डेटा मैसेज के अंदर टाइम मैसेज और नेम दोनों स्टोर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंस नाम से लॉगिन करूँ, प्रिंस, और यहाँ पे गेमिंग में सबमिट कर दिया, मैं यहाँ पे मैसेज भेज रहा हूँ कुछ भी, तो चैट रूम के अंदर ये मैसेज हमारा एरे के अंदर स्टोर हो जा रहा है। फिर दोबारा भेजूंगा तो दो मैसेज हमारे स्टोर हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम अब चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें बारी बारी से तीन जगह पे हमारे डायनेमिक फील्ड्स लगे हुए, 1 2 3। तो एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि ये जो टाइम हमारा इतना लंबा चौड़ा आ रहा है, इसे हमें हैंडल करना होगा, इस वजह से हमें दिक्कत दे रहा होगा। तो इसे इस लाइन को हम अभी कमेंट कर देते हैं, वापस सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा इशू टाइम की वजह से ही आ रहा था, कि टाइम हमारा उतना लंबा चौड़ा में कुछ एरर दे रहा था। तो डायरेक्ट हम टाइम को ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन हम तो टाइम के लिए अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा एक पैकेज का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करें, उस पैकेज का नाम है रिएक्ट मोमेंट, जो कि क्या करेगा, जो हमारा जिस टाइम पे मैसेज गया वो कितनी देर हो चुका है, 1 मिनट अगो या 2 मिनट अगो, 3 मिनट अगो, 1 आवर अगो, 1 डे अगो, वो निकाल के देगा। तो हम उसको मैं आपको दिखाता हूँ NPM में, NPM रिएक्ट मोमेंट, रिएक्ट मोमेंट ओपन कर लीजिए। तो ये हमारा पैकेज है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉम नाउ का एक फील्ड रहता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्ट मोमेंट के अंदर फ्रॉम नाउ का। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे लोड ले लेगा, और ये बताएगा यहाँ पे कि फ्रॉम नाउ में कि ये कितना
देर पहले हम किया, जैसे सपोज 1976 दिया तो 40 ईयर्स आगो बता रहा है ऐसा देर। अगर 1 घंटे पहले रहेगा तो 1 आवर आगो बताएगा, 2 घंटे पहले या 1 मिनट पहले तो 1 मिनट आगो। तो हम ये पैकेज को यहाँ पे यूज़ करने वाले, तो उसे यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले NPMI में रिएक्ट मोमेंट को कॉपी कर लेंगे, ये टेक्स्ट कॉपी करेंगे, फिर अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में जा करके, टर्मिनल में जा करके एक न्यू टर्मिनल क्रिएट करके यहाँ पे पेस्ट करके इसे हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे। और जब तक इंस्टॉल हो रहा है, वापस से हम फ्रॉम नाउ में जाते हैं। फ्रॉम नाउ में जाने के बाद हम ये लाइन ऑफ कोड हम कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके हमारा यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, तो मैं इस टर्मिनल को डिलीट कर दूंगा, ये हाइड कर दूंगा। तो जो हमारा टाइम यहाँ पे रेंडर हो रहा था, उसे टाइम रेंडर होने को यहाँ से हम डायरेक्ट हटा करके हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे ये जो टाइम इधर आया हुआ है, इसके जगह पे हम देंगे मैसेज डॉट टाइम। और ये मोमेंट अभी हमने इम्पोर्ट नहीं किया, तो यहाँ से मैं ऐसे करके यहाँ से मोमेंट इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट मोमेंट फ्रॉम रिएक्ट मोमेंट। तो हमने मोमेंट को इम्पोर्ट कर दिया। अब जाके अब अगर हम अपना फ्रंट एंड देखेंगे तो क्या यहाँ पे क्या दे रहा है, मोमेंट कैन नॉट रिजॉल्व मोमेंट। इसके लिए मुझे मोमेंट पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट मोमेंट के साथ साथ एक और डिपेंडेंसी है मोमेंट की, तो उस मोमेंट को भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो NPMI मोमेंट, तो ये मोमेंट के साथ कंबाइन होकर के ये वर्क करता है मोमेंट पैकेज टाइम मैनेज करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अब हमारा यहाँ पे सही आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मैसेज भेजते हैं ASDF और यहाँ पे मैसेज सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आ गया अ फ्यू सेकेंड्स अगो कि मैंने कुछ सेकेंड्स पहले ये मैसेज भेजा। तो अब आप देखिएगा कि ये अब फ्यू सेकंड्स अगो लिखा हुआ, लेकिन कुछ देर में छोड़ दूंगा तो 1 मिनट के बाद लिखेगा कि अ मिनट अगो, ऐसा लिखेगा। ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और हमारे लिए ये काम आसान कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2-3 मैसेज भेज दूँ, सपोज AB, तो अब हमें ये चेक करना है। सेम कंडीशन में यहाँ पे भी लगा देता हूँ, जो हमने यहाँ पे रिएक्ट मोमेंट का टाइमिंग यहाँ पे लगाया, सेम से उठा करके इधर भी लगा देंगे कि जो मैसेज आएगा उसमें भी मुझे इसी तरह से दिखेगा। अब सेव कर देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं 1 मिनट हो गया होगा लगभग, तो यहाँ पे अ मिनट अगो आ रहा है, और ये बाद में भेजे तो अ फ्यू सेकंड्स अगो आ रहा है। ठीक है, अब हम कंपोनेंट में जाते हैं। चूंकि अभी हम मैसेज भेज रहे कहीं दूसरी तरफ से आ नहीं रहा है, तो हम इसी कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टेट है, स्टेट के अंदर जो हमारा यहाँ पे मैस यहाँ पे नेम में सेम है, तो इस नेम को बदल करके हम यहाँ पे राज कर देते हैं। सपोज हम यहाँ राज कर दिए, तो दोनों डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने मैन्युअली यहाँ पे डिफरेंट कर दिया, लेकिन हमारा UI अभी सही चल रहा है। अगर दूसरे नेम मैच नहीं करेगा तो वो इधर का रेंडर होगा, अगर नेम मैच कर गया तो वो इधर का रेंडर होगा। तो ये हमारा UI अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको सॉकेट से कनेक्ट करते हैं। तो सॉकेट में हमने बताया था कि जैसे हमने सर्वर साइड में इनिशियलाइज किया था, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट साइड में इनिशियलाइज करेंगे। तो मेन हमारा अब सॉकेट से कनेक्शन करने का अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए अब अपने फ्रंट एंड को भी सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो सॉकेट से कनेक्ट करने के लिए हमें क्लाइंट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि है सॉकेट IO क्लाइंट। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, तो इसे हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा NPMI करके। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे कॉपी करने के बाद वापस हम अपने फ्रंट एंड में जाते हैं और टर्मिनल के अंदर NPMI करके इसे NPMI socket.io डैश क्लाइंट करके हम इसे इंस्टॉल कर ले रहे हैं। ये हमारा मैसेज रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए फ्रंट एंड साइड का ये मॉड्यूल है। जैसे कि हमने बैक एंड का कोड में मैं दिखा हुआ आपको, बैक एंड में हमने क्या यूज़ किया था, socket.io यूज़ किया था। तो उसी तरह से अब फ्रंट एंड में अब हम क्या यूज़ करेंगे, socket.io डैश। तो इसी तरह हमने socket.io को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लिया। तो अब फ्रंट एंड में आने के बाद जब हम अपना package.json देखेंगे, तो सारे socket.io क्लाइंट, रिएक्ट मोमेंट मोमेंट, ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया, तो सारे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब टर्मिनल को मैं हाइड कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपने सॉकेट्स के सर्वर को क्रिएट इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इंपोर्ट करना है IO को, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं अपने चैट रूम में, सबसे ऊपर में जाके टॉप पे इसे रख देते हैं। तो ये हमने IO को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो प्लेस करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें सॉकेट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सॉकेट को इनिशियलाइज किया हुआ है, लेकिन ये देखिए, हम अगर चाहते हैं डिफरेंट डोमेन से दिखाना, तो जो हमारा डोमेन रहेगा, जैसे लोकल होस्ट पे रन करा रहे हैं, तो हम वो लोकल होस्ट का पाथ देंगे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो जब हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा सबसे स्टार्टिंग में, तो यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, यूज़ इफेक्ट
इसके अंदर हम एरे पास करते हैं। अगर एरे हम एम्प्टी पास करेंगे तो जैसे ही हमारे कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है तो ये उसी वक्त हमारा जो भी यहाँ पे टास्क दिए रहेंगे फंक्शन बनाएंगे वो वर्क करता हुआ है, वो कोड एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले सॉकेट को इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा हमारा सॉकेट इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर पाथ में हम यहाँ पे क्या देने वाले, जो हमारा बैकएंड का पाथ था यानी लोकल होस्ट 8000 था, हम वो यहाँ पे देने वाले, तो उस पाथ को हम यहाँ पे ला करके रख देते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ पे सेव हो गया। तो सेव होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये अभी क्लाइंट का हमारा एक इंस्टांस बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सॉकेट का इंस्टांस है उसे हम मैसेजिंग भेजना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम जब कनेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि जब कनेक्शन बनाना होगा पहली बार, जब बैकएंड पे सॉकेट बन गया और फ्रंट एंड पे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों जगह सॉकेट हमारा बन चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, बैकएंड से कनेक्शन क्रिएट करेंगे और फ्रंट एंड से कनेक्शन क्रिएट करेंगे, दोनों का देखेंगे कि वहाँ पे कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे सिंपल सा एक कोड है ये कि हमें बस सर्वर साइड पे आईओ डॉट कनेक्शन कर देना है और क्लाइंट साइड पे बस आईओ डॉट ऑन कनेक्ट कर देना है, बस हमें बस इतना ही करना है। तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों के बीच। तो चलिए मैं ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अभी फ्रंट एंड और बैक एंड के कोड में बारी बारी से स्विच करके हम अपना कोडिंग करेंगे। जैसे अगर मैसेज भेजते हैं तो उस वक्त सॉकेट में क्या होगा वैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ वैसे ही मैं बताऊंगा। सर्वर साइड पे क्या करना है कि जब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आईओ डॉट ऑन कनेक्शन करना है, बस इसे डायरेक्ट कॉपी कर दीजिए आप। तो बैक एंड के कोड में गया, ये मेरा जो आईओ यहाँ पे क्रिएट हुआ था तो इसी के अंदर आईओ डॉट ऑन कनेक्शन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और वापस से जो हमारा फ्रंट एंड का यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, तो वापस से इसको फ्रंट एंड वाला ये क्लाइंट साइड दिख रहा है इसे कॉपी करके अब हम जाते हैं फ्रंट एंड के कोड में। जब हमारा ये सॉकेट यहाँ पे बन गया तो सॉकेट बनने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट यहाँ पे ऐसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब हम कनेक्ट यहाँ पे देखिए दोनों तरफ कंसोल डॉट आईडी और यहाँ पे भी बैकएंड में भी कंसोल सॉकेट डॉट आईडी को कंसोल किए हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने बैकएंड के टर्मिनल में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो इंस्टांस है वो लॉग हो रहा है कि नहीं। हम अभी चाहते हैं कि हमने एक बार स्टार्ट किया बैकएंड का सर्वर तो एक ही बार स्टार्ट है, पर हम चाहते हैं कि बार बार स्टार्ट हो, मतलब जब भी हम कोई भी चेंजेस करें वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन में जाके एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं स्टार्ट का। और ये स्टार्ट कमांड क्या करेगा, नोडमोन इंडेक्स डॉट जी एस इस कमांड को रन कर देगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हम बैकएंड के कोड में npm स्टार्ट करेंगे तो कोई भी फाइल हमें हम चेंजेस करेंगे वो हर बार रीस्टार्ट कर देगा। देखिए नोडमोन ने स्टार्ट कर दिया, ऐप स्टार्टेड एट पोर्ट 8000। फिर अब हम इसे भी सेव करेंगे तो हमारा जितनी बार हम सेव करेंगे हमारा सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता जाएगा। तो अब फ्रंट एंड के कोड में आ जाते हैं, इसका टर्मिनल ओपन करते हैं, हमारा टर्मिनल रन कर रहा है। एक एरर दिया, कैन नॉट रिजॉल्व मॉड्यूल मोमेंट ऑफ अनडिफाइंड। कैन नॉट रिजॉल्व मोमेंट, मोमेंट npm आई मोमेंट तो किया था मैंने, एक बार और npm से इंस्टॉल कर देते हैं। तो अब हम फ्रंट एंड के कोड में आ गए, अब हम टर्मिनल अपना चेक करेंगे। वापस से अब यहाँ पे आते हैं, अपना मैं ये सारे टैब्स को बंद कर देता हूँ, अभी इनका कोई काम नहीं है। तो अब हम आ गए अपने रिएक्ट के कोड में। तो अभी से रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस से हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे नेम में हम देंगे अपना नाम प्रिंस, और रूम में हम इधर देंगे गेमिंग, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये सॉकेट डॉट आई ओ यहाँ पे 404 नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो ये अभी कनेक्शन प्रॉपर से इस्टेब्लिश हुआ नहीं है, तो चलिए इसे डीबग करते हैं। तो लोकल होस्ट 8000 पे 404 नॉट नॉट फाउंड आया। तो हम अपने बैकएंड के कोड पे जाते हैं, बैकएंड में जा करके यहाँ पे चूंकि हमने ऐप डॉट इंस्टांस ऐप को हमने सर्वर में क्रिएट करके सर्वर पे हम लोग आईओ को चला रहे हैं, मतलब सॉकेट को चला रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम ऐप डॉट लिसन नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम सर्वर डॉट लिसन कर देंगे। ताकि क्या होगा, ऐप तो हमारे यहाँ पे बना हुआ था, तो अब हमारे ये सर्वर लिसन करते रहेगा, सर्वर और ऐप दोनों अब काम करेंगे और पोर्ट 8000 पर लिसन करेंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बैकएंड पे यहाँ पे जैसे हम सेव कर रहे हैं तो हमारा ये आईडी यहाँ पे कंसोल होते जा रहा है। तो ये मतलब अगर मैं दो टैब खोल दूंगा तो वो एक और कंसोल हो जाएगा, वो जो आईडी एक और कनेक्ट हो जाएगा इस सॉकेट से, और उसका आईडी भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ पे कंसोल पे आपको दिखाऊँ, ये क्लियर कर दूँ, प्रिंस नाम से लिख दिया, और वापस से मैं यहाँ पे कोडिंग रूम में आ गया, मैं सबमिट करूंगा तो देख सकते हैं कि ये आईडी मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया और आईडी यहाँ पे कंसोल हो गया मेरा। बैकएंड पे भी आएंगे देखेंगे तो ये वाई यू वाला
Y6U वाला सेम आईडी हमारे यहाँ पे भी कॉन्सोल हो गया, मतलब ये हमारा अभी बैकएंड और फ्रंट एंड सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया सॉकेट से मैसेजिंग भेजने के लिए। तो सॉकेट से मैसेज भेजने के लिए हम मैसेज भेजने के लिए इमिट करते हैं, और मैसेज को गेट करने के लिए ऑन से हम लोग गेट करते हैं, भेजने के लिए इमिट और लेने के लिए ऑन पे। तो अगर हम कुछ फ्रंट एंड से भेज रहे हैं तो हम फ्रंट एंड से इमिट करेंगे, और अगर हमें बैक एंड पे उस मैसेज को गेट करना है तो ऑन पे हम लोग लिसन करते रहेंगे, और अगर बैक एंड से भेजना है तो बैक एंड से इमिट करेंगे और फ्रंट एंड पे ऑन पे गेट करेंगे। तो अब चलिए, तो अब मैं ये एक कंसेप्ट बताता हूँ रूम का, कि अगर हम सॉकेट में रूम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करना रहता है, कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा 2 या 3 रूम है या अलग अलग व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप होते हैं, तो हम उसी ग्रुप में मैसेज भेजना चाहते हैं या उसी रूम में मैसेज भेजना चाहते हैं, तो जो यूज़र हमारा जिस रूम से बिलोंग करता है हम उसको उस रूम में ज्वाइन करा देते हैं। तो ज्वाइन करा देने के बाद हम फिर वापस से जो भी मैसेज भेजेंगे उस जगह पे उस यूज़र को वहाँ पे देखेगा। जैसा अभी आप देख सकते हैं कि मैं कोडिंग रूम में हूँ, तो जैसे ही हम कोडिंग रूम ओपन करेंगे हम सॉकेट में इस यूज़र को कोडिंग में ज्वाइन करा देंगे कोडिंग रूम में। तो अब कोडिंग रूम में जो भी मैसेजेस आएंगे वो देख पाएगा और वो मैसेजेस को भेज भी पाएगा कोडिंग रूम में। तो इसका मैं जो socket.io का एक इमिट चीट शीट है तो इसके अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है ये सारे कनेक्शंस का, मतलब बताया हुआ कि कैसे कर सकते हैं इसमें से, जैसे जैसे आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं रूम में ज्वाइन कराऊंगा, जो यूज़र कोडिंग रूम में आया उसको कोडिंग में ज्वाइन करा दूंगा, जो गेमिंग में आया उसको गेमिंग में, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज भेजूंगा। तो मैसेज भेजने के लिए मैं इसका यूज़ करूंगा कि अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो उस रूम में जुड़े हुए सारे क्लाइंट्स को वो मैसेज तुम भेज दो, तो ये कोड है उसके लिए। तो चलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ इस रूम में। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर यूज़र को सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद उसका सॉकेट का आईडी यहाँ पे कंसोल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा सॉकेट का आईडी कंसोल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम बोलेंगे सॉकेट डॉट इमिट करेंगे हम यहाँ पे ज्वाइन रूम। ज्वाइन रूम में तुम जाओ, हम यहाँ पे फिर क्या देंगे, डेटा देंगे यहाँ पे रूम का देंगे। तो हम यहाँ पे डेटा कौन सा पास करें, जो हमारा डेटा डॉट रूम है तो हम ये भेज रहे हैं उसके अंदर, मतलब ज्वाइन रूम के अंदर हम रूम भेज दे रहे हैं, कि जैसे ही कनेक्ट होगा ज्वाइन रूम के अंदर हम रूम का आईडी भेज दिए। तो यहाँ से हम इमिट किए, तो अब हम इसको गेट करेंगे बैकएंड पे। तो गेट करते हैं हम कैसे, ऑन पे करते हैं गेट। तो आईओ डॉट कनेक्शन है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन ज्वाइन रूम। याद रखिए कि यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे ज्वाइन रूम लिख रहे हैं सेम वो इसे मैच करना चाहिए, या तो आप यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैच करेगा तभी आपका जाकर के मैसेज इस पर आ जाएगा। सॉकेट डॉट ऑन ज्वाइन रूम, यहाँ पे वो क्या ले रहा है, रूम ले रहा है। तो रूम ले रहा है, तो रूम लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रूम कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये रूम उसको जो भी रूम यहाँ से भेजा वो क्या वो उस रूम पे आया कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नल आ रहा है, ये पहले का जो इंस्टांस मैंने क्रोम में खोले हुए थे ये उनका आया हुआ, अगर मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ तो वो नया इंस्टांस से कनेक्ट हो जाता है। तो ये अभी मैं गेमिंग रूम है तो गेमिंग यहाँ पे आ जा रहा है मेरा, जैसे यहाँ पे कोडिंग है तो कोडिंग आ जाएगा, गेमिंग है तो गेमिंग आ जाएगा। फ्रंट एंड को यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अभी अभी जैसे मेरा इंस्टांस से कनेक्ट हुआ, आप देख सकते हैं HKG नाम से कनेक्ट है, लास्ट में AAA और X है और ये कोडिंग रूम है। तो ये भी बैकएंड से कनेक्ट हुआ, HKG लास्ट में AAA और ये कोडिंग कोडिंग वाला यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं इसे दोबारा इसे क्लियर करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरा आईडी मिलेगा, XY_ है और ये कोडिंग रूम है तो वो बैकएंड में आ गया होगा, XY_ है। अभी अभी आप देख सकते हैं QZXY है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नल वैल्यू मिल रहा है। तो नल वैल्यू इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये डेटा जब तक ये डेटा सेट करता है उससे पहले ये यहाँ पे इमिट कर देता है। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकेशन डॉट स्टेट डॉट से रूम में भेज दूंगा। तो यहाँ पे अभी मुझे कभी नल नहीं मिलेगा। तो अभी अभी जो मेरा इंस्टांस यहाँ पे कनेक्ट हुआ होगा UAM63 के नाम से कनेक्ट हुआ और ये कोडिंग रूम है, तो बैकेंड में भी यू ए और कोडिंग नाम से यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमारा रूम अभी अब क्या करते हैं, हमारे बैकेंड पे डेटा आ जा रहा है, मतलब जो रूम है हमारा वो आ जा रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉकेट डॉट ज्वाइन करा देंगे। जब उसे रूम मिल जा रहा है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सॉकेट डॉट ज्वाइन और यहाँ पे हम रूम दे देंगे। तो जो यूज़र जिस भी रूम में ओपन रहेगा वो आके उस रूम के अंदर वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हमने उस यूज़र को रूम में ज्वाइन करा दिया सक्सेसफुली। तो अब हम क्या करेंगे कि जब यूज़र अब मैसेज भेजेगा, तो अब जब यूज़र कोई भी मैसेज भेजेगा तो हम उसके
वापस से सॉकेट में भेज देंगे। तो जब हम यहाँ पे ऑन सबमिट करके मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पे अब मैसेजेस में सेट करने का ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट अब सॉकेट के पास मैसेज भेज देंगे। तो अब उससे पहले एक चेक कर लेंगे कि अगर मैसेज है, कि अगर वो मैसेज है यानी यूज़र ने कोई मैसेज टाइप किया है तभी ये सारे काम होंगे, और ये न्यू मैसेज तभी क्रिएट होगा जब मैसेज एग्जिस्ट करते हैं पहले से। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे सॉकेट में फिर से इमिट करना होगा क्या न्यू मैसेज के नाम से। तो सपोज़ अभी हम यहाँ पे सॉकेट में न्यू मैसेज में हम इमिट कर रहे हैं क्या, ये जो न्यू मैसेज हमने बनाया, न्यू मैसेज हमने बनाई ये इमिट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सॉकेट इंस्टेंस यहाँ पे तो एक्सेसिबल नहीं है ऑन सबमिट फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सॉकेट है तो उसके एक स्टेट ले लेते हैं। यूज स्टेट ले लिया, और जैसे ही हमारा ये सॉकेट इंस्टेंस क्रिएट होता है वैसे ही हम यहाँ पे सेट सॉकेट के अंदर सॉकेट को स्टोर करा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास अब एक्सेस रहेगा। मैं इसे सॉकेट डॉट आईडी को कमेंट कर देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, तो अब इससे क्या होगा कि हम ये सॉकेट को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हमारा न्यू मैसेज कोई टाइप करके सेंड करेगा वो न्यू मैसेज कहाँ पहुँच जाएगा, इमिट कर देगा वो बैकएंड को। तो अब हम बैकएंड में जाते हैं, बैकएंड में अब यहाँ पे हम फिर से लिसन करेंगे। तो किस पे करते हैं, सॉकेट डॉट ऑन, ये याद रखना है किस पे, अगर हम यहाँ पे न्यू मैसेज पे भेज रहे हैं यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हम जो भी यहाँ पे टाइप करें सेम उसी जगह उसी पे यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा, एक भी अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम दो चीज़ भेज रहे हैं, एक न्यू मैसेज भेज रहे हैं और सिर्फ न्यू मैसेज हम भेज रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि न्यू मैसेज के साथ साथ हम यहाँ पे न्यू मैसेज तो भेज रहे हैं, साथ ही साथ हम एक ऑब्जेक्ट भेज दें न्यू मैसेज, और जिसके अंदर और रूम के अंदर डेटा डॉट रूम हम यहाँ पे भेज दें इसको, ताकि ये किस रूम में हमें भेजना है ये हमको पता रहे यहाँ से, क्योंकि मैसेज जाएगा और किस रूम का है ये चला जाए ये पता चल जाएगा। तो हम ये ऑब्जेक्ट हम भेज रहे हैं न्यू मैसेज के अंदर। तो हम ये सेम चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब बैकेंड में जाते हैं, और बैकेंड में सॉकेट डॉट ऑन न्यू मैसेज यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लिए। तो अब हमें क्या हो रहा है कि जब न्यू मैसेज में वो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा तो हमें न्यू मैसेज और रूम से डिस्ट्रक्चर कर लिए। अब हम इसको कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल में पहले रूम कर दे फिर न्यू मैसेज। तो कोई भी न्यू मैसेज भेजेगा तो बैकएंड में हमारा वो न्यू मैसेज कंसोल हो जाएगा। अभी सॉकेट डॉट आईडी को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो हमारा बैकएंड स्टार्ट हो गया फिर से 8000 पोर्ट पे। अब हम जो भी न्यू मैसेज भेजेंगे हमारे बैकएंड पे वो कंसोल हो जाना चाहिए। तो अब हम फ्रंट एंड में जाते हैं, अब हम यहाँ से भेजते हैं हाय, हम हाफ स्क्रीन पे इसको ऐसे कर देते हैं और हाफ पे बैकएंड को कर देते हैं ताकि हमें लॉग दिखेगा अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे अगर हम मैसेज सेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोडिंग रूम में जो भी मैसेज हमने भेजा था हाय वो यहाँ पे आके कंसोल हो गया। अगर हम यहाँ पे भेजते हैं बाय तो फिर अभी देखिए यहाँ पे हमारा बाय कंसोल हो गया वापस से मैसेज, मतलब हमारे मैसेज अब बैकएंड के पास पहुँच जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैसेज मेरा बैकएंड में पहुँच गया तो वो जितने भी इंस्टांसेज उन सब पे भेज दो, भेज देगा वो इस मैसेज को। तो अब हमको वापस से मैसेज भेजना है, तो मैसेज भेजने के लिए हम इमिट करते हैं सॉकेट डॉट इमिट। तो इमिट कर रहे हैं, अब लेटेस्ट मैसेज लेना है तो गेट लेटेस्ट मैसेज, अब हम गेट लेटेस्ट मैसेज के ऊपर हम इमिट करेंगे। और क्या मैसेज भेजेंगे, न्यू मैसेज को हम भेज देंगे। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि अब हमें भेजना है किस पे, उस एक पार्टिकुलर रूम के ऊपर भेजना है। तो हम यहाँ पे सॉकेट डॉट इमिट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे चीट सीट में बताया था कि आईओ डॉट इमिट होता है, आईओ डॉट इन, आईओ डॉट इन रूम वन डॉट इमिट, कि हम सिर्फ उसी रूम में इमिट करना चाहते हैं। तो किस रूम में इमिट करना चाहते हैं, ये जो रूम है उसके अंदर। तो आईओ सॉकेट डॉट इमिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आईओ डॉट इमिट करेंगे, और रूम वन नहीं, हमारे रूम का नाम है रूम। हाँ, तो अब हम उस रूम के अंदर गेट लेटेस्ट मैसेज के अंदर हम न्यू मैसेज को भेज दिए, अब हम इसको सेव करें। अब यहाँ से हम इमिट कर रहे हैं तो हमें वापस से ऑन पे गेट करना पड़ेगा फ्रंट एंड में। तो वापस से फ्रंट एंड में आ जाते हैं और यूज इफेक्ट के अंदर सॉकेट डॉट ऑन, यहाँ पे किस पे भेज रहे थे, गेट लेटेस्ट मैसेज पे भेज रहे थे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे गेट लेटेस्ट मैसेज पे गेट कर लेते हैं। क्या भेज रहे हैं, हम न्यू मैसेज भेज रहे हैं, तो न्यू मैसेज भेज रहे हैं तो न्यू मैसेज यहाँ पे गेट करेंगे और क्या करेंगे, अभी कंसोल कर देते हैं न्यू मैसेज को। अभी हमने कंसोल कर दिया, मतलब जब भी नया मैसेज आएगा उस रूम में जो भी कनेक्टेड रहेगा उनके पास ब्राउज़र में कंसोल हो जाएगा न्यू मैसेज। तो वो चेक करने के लिए हमें दो ब्राउज़र चाहिए होगा, पहला तो एक यहाँ पे जो ओपन है और दूसरा एक और ब्राउज़र हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लेते हैं। दोनों में लोकल होस्ट पोर्ट 8000 पे चलेगा, यहाँ पे
सपोज एक्स वाई जेड नाम से मैंने ज्वाइन कर लिया कोडिंग रूम। हाँ, अब इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने यहाँ पे दोनों का कंसोल ओपन कर लिया है। तो अब हम अगर यहाँ पे मैसेज हम भेजते हैं हेलो फ्रॉम क्रोम, तो अगर मैं क्रोम से मैसेज भेज रहा हूँ तो भेजा, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जब इमिट किया तो जो भी कोडिंग कोडिंग वाले में कनेक्टेड थे, तो ये दोनों कोडिंग में कनेक्टेड थे, एक क्रोम कनेक्टेड था, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज कनेक्टेड था। तो क्रोम में तो मैसेज आ गया कि कौन मैसेज आ गया, और सक्सेसफुली मैसेज आने के बाद कंसोल हो गया। साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसके अंदर भी मैसेज आ गया, सक्सेसफुली कंसोल हो गया। अब मैं यहाँ से भेजता हूँ मैसेज एज एज ब्राउजर। अब यहाँ से अगर हम मैसेज भेजते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एज ब्राउजर यहाँ भी आ गया और यहाँ भी है। मतलब जितने भी इंस्टांस मेरे कनेक्टेड हैं कोडिंग वाले चैनल से, उन सब के पास मेरा मैसेज सक्सेसफुली पहुँच जा रहा है सॉकेट डॉट आईओ के जरिए। तो यहाँ सॉकेट डॉट आईओ इस रूम में भेजे थे तो इस रूम में मेरा चला गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मैसेज हमारा आया है, अब हम उसको, ये जो एरे हमने बनाया हुआ है ऑल मैसेजेस का, तो इस मैसेज एरे के अंदर अब हम इसे रख देंगे, क्योंकि जो भी मैसेज आते जाता है अब हम उसको इसके अंदर रखते जाएंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारे कॉन्सोल डॉट लॉग में न्यू मैसेज कॉन्सोल हो रहा है, अब हम यहाँ पे ऐसे कॉन्सोल नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉन्सोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेट मैसेजेस जो कि हमने पहले यहाँ पे कमेंट किया था, अब इसी लाइन को कॉपी करके वापस से यहाँ पे नया मैसेज आएगा तो उसके अंदर यहाँ पे रखते जाओ। तो ये हमने यहाँ पे रख के सेव कर दिया कि ऑल मैसेजेस यहाँ पे आ जाएगा और न्यू मैसेज के अंदर यहाँ पे आकर के ये सेव हो जाएगा। अब हम वापस जाते हैं और हाफ हाफ स्क्रीन पे फिर से स्प्लिट कर लेते हैं, और ठीक है अब हमारे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से ये वन मैसेज को सेंड करेगा। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं मैंने भेजा वन, तो वो एरे में रखा गया, वो वन के अंदर आ गया ब्लू साइड में, लेकिन ये मेरा मैसेज एज में, क्योंकि मैंने भेजा था तो एज में दूसरा किसी पर्सन को लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे एज हम भेजते हैं यहाँ से, तो अभी आप देखिए कि वो क्या हो रहा है कि ये इसको क्लियर कर दे रहा है, मेरा एरर को क्लियर कर दे रहा है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम इस यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि इस यूज़ इफेक्ट के अंदर रखने पे वो ऑल मैसेज जो है इस वक्त जब ये पहली बार इनिशलाइज होता है तो ऑल मैसेज एम्प्टी रहता है, तो वो बार बार एम्प्टी के अंदर ही वो मैसेज रख देगा। तो उसके लिए हम एक दूसरा यूज़ इफेक्ट बनाएंगे। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर अगर सॉकेट है और ऑल मैसेजेस है, तो उसके अंदर सॉकेट डॉट ऑन तो उसके अंदर सॉकेट डॉट ऑन गेट ऑल मैसेजेस ये करेगा कि जो भी लेटेस्ट मैसेजेस आएंगे उसके अंदर वापस वो आकर के देख लेगा। और जो अब हम ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑल मैसेजेस के अंदर, यूज़ इफेक्ट के अंदर ऑल मैसेज लगा दिए, तो अभी इससे क्या होगा कि मेरा पहले का मैसेज क्लियर नहीं होगा, और जो भी हम मैसेज भेजें वो मैसेज जाएगा और उसके नीचे दूसरा भेजेंगे तो उसी के नीचे आएगा। तो अब देख सकते हैं 2 भेजा, 22 भेजा, अब यहाँ से 1 2 3 भेजें, पर एक चीज़ हो रहा है कि जो मैसेज भेज रहे हैं उसके मैसेज जाने के बाद ये क्लियर नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं ये मैसेज क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब मैसेज हम सेट कर दे रहे हैं तो उसके बाद हम सेट मैसेज का जो मेरा फंक्शन था उसको कॉल करके एम्प्टी कर देंगे और साथ ही साथ इसे सेव कर देंगे। अब अगर हम मैसेज भेजें तो मैसेज भेजे तो ये मेरा यहाँ पे खाली हो गया। अब यहाँ से जो भी मैसेज हम यहाँ पे भेजेंगे तो मेरा ये खाली हो जा रहा है, तो सही है, अब हमारा फ्लो सही है यहाँ पे। तो पर एक चीज़ है कि हम यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर पा रहे, जैसे यहाँ पे ये नीचे आया तो ये तो आ गया, लेकिन ये इसको अब हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल कैसे कराएं हम इसके लिए, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि स्क्रॉल कराने के लिए ये जो मेरा यहाँ पे डिव ख़त्म हो रहा है, तो डिव ख़त्म होने के पहले हम एक और डिव ले लेंगे यहाँ पे जो कि इसके जस्ट पहले है। तो यहाँ मैंने एक डिव ले लिया जिसमें रेफ लगा दी मैसेज बॉक्स रेफ। तो अब हम इस डिव को क्या करेंगे कि जैसे ही कोई भी मैसेज भेजेगा तो ये डिव को स्क्रॉल करा के हाइट पे ले आएंगे। ये कहाँ पे रखें हम कि जो जितना सारा मैसेज जब रेंडर हो जाएगा, सारे मैसेजेस आने के जस्ट बाद एक डिव लगा दिए हम। अब फिर हम क्या करेंगे, जैसे जब मैसेज आ गया तो सारा मैसेज आ जाएगा, तो उसके बाद ये डिव को ऊपर ले आ देंगे, मतलब व्यू में ले आ देंगे। तो सपोज यहाँ पे जैसे मेरा मैसेज आया, यहाँ पे ऐसे मैसेज आ गया मेरा, तो जो भी मैसेज आएगा तो अब ये ऑटोमेटिक जो डिव यहाँ पे नीचे की ओर, इसके नीचे यहाँ पे रहेगा,
इस जगह पे, तो वो डिव अपने आप इस व्यू में आ जाएगा। ऐसा ऐसा हम कर देंगे तो फिर हमारे स्क्रोलो के यहाँ पे दिखने लगेगा। तो फ्रंट एंड में आए, यहाँ पे डिव लगा दिया, डिव के अंदर रेफ यूज़ किए, तो रेफ यूज़ किए तो हम यहाँ पे यूज़ रेफ का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे रेफ लिया हुआ है, मैसेज बॉक्स रेफ, तो इसी को हम यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेज बॉक्स रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। तो यूज रेफ अभी यहाँ से मैंने इंपोर्ट भी रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट कर लिए और मैसेज बॉक्स रेफ में इनिशलाइज कर दिए, और वो यहाँ पे डिव के नीचे में यहाँ पे हम लगा दिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही वो मैसेज भेज देता है, जब वो मैसेज मतलब लेटेस्ट कोई भी मैसेज आता है तो सेट मैसेज मैसेज को सेट तो कर ही देगा, और साथ ही साथ क्या करेगा वो कि जो मैसेज बॉक्स का डिव है, मतलब जो मैसेज बॉक्स का रेफ लगा हुआ है, msgbox.ref.current स्क्रोल इनटू व्यू स्मूथ, मतलब अब ये क्या है, मैसेज मैंने यूज़ रेफ का इस्तेमाल किया यहाँ पे। सबसे पहले एक यूज़ रेफ से मैसेज बॉक्स रेफ बना लिया और उसके रेफ में मैसेज बॉक्स रेफ डाल दिया। अब क्या होगा, जब भी नया मैसेज आएगा स्टेट सेट कर देगा, उसके बाद जो मैसेज बॉक्स है उसका स्क्रोल कर देगा व्यू में। अब बिहेवियर स्मूथ है, मतलब वो स्मूथली स्क्रोल करा देगा। तो अभी ये स्क्रोल इनटू व्यू कर देगा। तो अब सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी गेमिंग रूम में आ गया मैं, तो गेमिंग रूम में आने के बाद मैं यहाँ पे मैसेज अगर भेज देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक स्क्रोल होकर के नीचे अपने आप आते जा रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो मैसेज नहीं जा रहा है, तो मुझे बार बार बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है। पर हम चाहते हैं कि अगर हम एंटर भी प्रेस करें तब भी मेरा मैसेज चला जाइए। तो उस वक्त के लिए अब हम क्या करेंगे कि जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप के अंदर चैट रूम के अंदर जो इनपुट लगा हुआ है, वो इनपुट के अंदर ऑन की डाउन एक फीचर एक होता है, ऑन की डाउन, तो इसके अंदर हैंडल हैंडल की डाउन का हम फंक्शन लगा देते हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन से चेक कराएंगे कि अगर जो की डाउन जो की प्रेस किया गया है अगर वो एंटर है, एंटर हम लोग कैसे चेक करते हैं, हर की का एक कोड होता है, तो एंटर का कोड होता है 13। तो अगर जो भी की प्रेस किया गया अगर उसका कोड 13 है तो हम इसको सबमिट करा देंगे, फॉर्म को सबमिट करा देंगे, या इसका नेम मैं हैंडल एंटर ही लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हैंडल एंटर को कॉपी किया, अब यहाँ पे हम एक डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट हैंडल एंटर इक्वल्स टू ये इवेंट लेगा, और अगर इवेंट डॉट की कोड इक्वल्स टू एंटर की का की कोड 13 होता है, तो अगर वो जो भी की प्रेस किया उसका की कोड अगर 13 है तो फिर क्या करेगा कि जो हमने यहाँ पे ऑन सबमिट फंक्शन बनाया है वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, वो सबमिट कर देगा। अगर 13 नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। फिर हमें दिखता हो कोई मैसेज लिखा, फिर एंटर प्रेस किया, तो अभी मैसेज ये नहीं जा रहा है। देखते हैं फ्रंट एंड में क्या, और मैंने यहाँ पे ऑन की डाउन को डी डब्ल्यू लिख दिया, ये डी ओ डब्ल्यू एन होगा। तो अब मैंने की डाउन को स्पेलिंग सही कर दिया, मैसेज सेव करता हूँ, अब वापस से अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ए लिख के टाइप किया फिर मैसेज सेंड किया, बी लिख के टाइप किया फिर एंटर किया, तो एंटर प्रेस पे भी अभी हमारा मैसेज जाने लगा। तो अब हमारा यहाँ पे फाइनली ये हमारा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, वापस से इसे स्टार्ट करते हैं, हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रन कर रहा है, और मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ वापस से, और यहाँ पे इसे लोकल होस्ट 3000 पे रन कर लेता हूँ, और साथ ही साथ क्रोम के साथ साथ मैं यहाँ पे एज ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। एज में भी मैं लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे रन कर लेता हूँ, और इन दोनों से अभी मैं चेक करके देखूँगा कि सक्सेसफुली हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंस, और यहाँ पे लिख देता हूँ राज, ये गेमिंग रूम में आ जाएगा, और ये भी गेमिंग रूम में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ हेलो, तो हमारा मैसेज यहाँ पे आ गया हेलो, और अगर यहाँ पे राज सेंड करेगा हेलो प्रिंस, तो इसका भी मैसेज यहाँ पे आ गया, और हाउ आर यू, तो
तो ये भी मैसेज आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ब्राउज़र ले लेता हूँ, सपोज मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला फायरफॉक्स पे लोकल होस्ट 3000 में रन करता हूँ, लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे मैंने रन किया, ये नॉर्मल कर लेता हूँ 100%। अब यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं कोई दूसरे नाम से, अगर मैं गेमिंग, अब मैं कोडिंग में ज्वाइन किया हुआ हूँ, तो अब आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे मैसेजिंग कर रहा हूँ कि इन गेमिंग रूम, अगर मैं गेमिंग रूम में मैसेज करता हूँ, तो ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ गेमिंग रूम में जाता है, कोडिंग रूम में नहीं जाता। और अगर ये मैसेज करेगा इन कोडिंग रूम, तो ये जो मैसेज है हमारा सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रूम में जाता है और गेमिंग रूम में नहीं जाता। तो मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ये मोजिला को मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ। अब आप दिखा सकते हैं कि socket.io से जो भी मैसेजिंग आप कर रहे हैं, लाइव आपका चल रहा है रियल टाइम पे, आपको यहाँ पे मैसेज दिख जाएंगे। तो जो भी आप यहाँ पे मैसेज भेजते जाओगे तो वहाँ पे चला जाएगा, जो भी आप मैसेज यहाँ पे टाइप करते जाओगे वो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ socket.io से। चैट ऐप हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, जो भी मैसेजेस हम भेजते हैं वो सक्सेसफुली रियल टाइम में जितने भी यूजर्स उस रूम से कनेक्टेड है, उस रूम में जुड़े हुए, ओपन किए हुए, उन सबके पास रियल टाइम में मैसेज चला जा रहा है।